नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जय शनि महाराज में और मैं उर्वशी जैन। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से आज दोस्तों चर्चा तो शनिवार की करेंगे ही, लेकिन आज शनिवार बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज है पूर्णमासी। जहां चंद्रमा पूर्णतः अपनी रोशनी दे रहा है, वहां पर इस पूर्ण चंद्रमा को लगेगा आज ग्रहण, चंद्र ग्रहण। खगोल या बात करें तो तब होता है जब पूर्णिमा हो और साथ ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सरल रेखा में हो, और पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा जब पृथ्वी की छाया में से होकर गुजरता है, तब उसे कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया है। और बिल्कुल आज ये भूगोलिक जो घटना होने वाली है, खगोलीय घटना जो है ये तो होगी ही, लेकिन इस खगोलीय घटना का हमारे जीवन पे, हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे क्या असर होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारा डर चंद्रमा ग्रहण को लेकर, तरह तरह की भ्रांतियां। और आपकी इन तमाम भ्रांतियों का, आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान है हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शनिधाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस परम पूज्य दाती जी महाराज। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमो नारायण। बहुत बहुत आपके कोमल चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार। सबसे पहले महाराज जी मैं यही जानना चाहूंगी दाती जी कि चंद्रमा ग्रहण को लेकर, चंद्रमा जो मन का कारक होता है, बहुत सारे लोगों की मनोस्थितियां किस तरह की होंगी, ये चंद्र ग्रहण किस तरह की जो है योगा योग लेकर आ रहा है, राष्ट्र की बात करें, विश्व की बात करें, और इस साल का ये आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण या ग्रहण की बात करें, खग्रास ग्रहण है तो ये ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, और 12 राशियों की बात करें तो कितना असर दिखाएगा वो तरह तरह से 12 राशियों के लिए। और आप बताएंगे हमें पता है कि अचूक उपाय, और वो उपाय जानने के लिए सभी लालायत हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत यही करना चाहेंगे कि आज के दिन, शनिवार के दिन जो ये चंद्र ग्रहण आया है कितना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण राष्ट्र को एमएस न्यूज के माध्यम से मेरा नमो नारायण। इस चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्र के सामने भ्रम, भ्रांति और भय का निवारण करने आता हूं, और राष्ट्र से पुनः एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सनातन संस्कृति का पुजारी हूं, मैं भारत की सनातन संस्कृति का सेवक हूं, और मैं आपके सामने जो भी लेके आता हूं वो सनातन संस्कृति का शोध है। इसलिए आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भय, भ्रांति और भ्रम से आपको बाहर आना होगा, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और ये शनिवार आज कमाल करेगा, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। और 2011 का अंतिम खग्रास चंद्र ग्रहण है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा है, और मरक्षिरा नक्षत्र और वृषभ राशि में ग्रहण का स्पर्श होगा। ग्रहण का प्रारंभ शाम 6:15 पर है, और यह खग्रास चंद्र ग्रहण 9:48 तक संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। एक बात ध्यान रखें, बहुत ध्यान से एक बात को ध्यान रखना है कि ग्रहण का प्रारंभ 6:15 पर, खग्रास प्रारंभ होगा 7:36 पर, ग्रहण का मध्यकाल है 8:02 पर, खग्रास समाप्ति है 8:28 पर, और ग्रहण की पूर्ण समाप्ति है 9:48 पर। अब ये चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, तो ये भारत में, पूर्ण संपूर्ण भारत में, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, पूर्वी कनाडा, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में ग्रहण दिखाई देगा। मैं राष्ट्रीय बात कहना चाहता हूं, चंद्र ग्रहण एक अलौकिक, अद्वितीय और बहुत ही सुंदर घटना है खगोल। चंद्रमा मनसो जाता है, और जब चंद्र ग्रहण हो और चंद्र का प्रभाव जो मेटाबॉलिकल सिस्टम है उसमें अद्भुत रहता है, और इस दौरान चंद्रमा के इस प्रभाव के कारण चंद्र ग्रहण से भयभीत नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण काल होगा 6:15 से लेकर 9:48 पर, लगभग 3:33 या 34 का जो भी ग्रहण है, ये बहुत अमृत बरसाने वाला समय होगा, और इस दौरान किया गया जाप बहुत अनुकूल फल प्रदान करेगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान जाप करना, ध्यान करना, पाठ करना बहुत शुभ माना गया है, और विशेष रूप से 6:15 ग्रहण प्रारंभ होगा, 6:15 से पूर्व जल में गंगा जल मिलाकर, और यदि आप तीर्थ स्थान में तो तीर्थ स्थान के जल से नहाकर या पवित्र नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए, और जाप में विशेषकर शिव गायत्री, शिव पंचाक्षरी मंत्र, शिव षडाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, और इसके साथ नवग्रहों के बीज मंत्र का जाप करना बहुत कल्याणकारी और बहुत शुभ माना गया। 9:48 पर ग्रहण समाप्त होगा, पुनः पवित्र जल से स्नान करें, स्नान के उपरांत
ग्रहण समाप्त के बाद जो भी आपने मंत्र जाप किया है उसका दशांश हवन और यज्ञ करना बहुत लाभकारी और उसके बाद दान देना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि ग्रहण रात्रि में समाप्त हो रहा है तो दान अपने घर में रख दे, सुबह सूर्य उदय के समय पुनः स्नान करके वो दान आप देते हैं तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। याद दिलाना चाहता हूं, ग्रहण चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय, और चिंतन आप करेंगे, जाप आप करेंगे, पाठ आप करेंगे, ध्यान आप करेंगे तो ये ग्रहण आपको मालामाल कर देंगे। और आज शनिवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है और चंद्र ग्रहण है तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी, संपूर्ण मानसिक वेदनाओं से छुटकारा मिलेगा और मन प्रसन्नता से भर जाएगा। इसलिए ग्रहण से भयभीत होने की जरूरत, और वैसे भी मैं राष्ट्रीय एक बात, कभी न तो ग्रहण से भयभीत होना चाहिए न ग्रहण से, भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से होना चाहिए। कर्म सुधारो और जो मैं उपाय बता रहा हूं प्रयत्न और प्रार्थना करते हुए इन उपायों का आप सहारा लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन आ रहा है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह आपने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, जो चंद्र ग्रहण है वो मृगशिरा नक्षत्र में और वृषभ राशि को छूकर जाएगा, तो हम इसी के प्रभाव से जानना चाहेंगे कि कौन से योग बन रहे हैं और इन योगों का पूरे राष्ट्र के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर इस चंद्र ग्रहण की बात करें तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद ऋषि। शनिवार का दिन है, वृषभ राशि मिथुन लग्न में चंद्र ग्रहण है, उस समय का जो ग्रह योगा योग है कि रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि का ग्रहण स्पर्श होगा और ग्रहण के समय जो ग्रह योगा योग है उसका मैदनी ज्योतिष के अनुसार मैं फल बता रहा हूं, क्योंकि बुध सूर्य राहु और बृहस्पति का षडाष्टक योग, बुध सूर्य राहु मंगल का चतुर्दशम योग, शुक्र चंद्र केतु का षडाष्टक योग, सूर्य बुध राहु शनि का द्विद्वादश योग और सूर्य बुध राहु चंद्र और केतु के समसप्तक योग और चंद्र केतु शनि का षडाष्टक योग, ये जो ग्रह योगा योग है ये बन रहे हैं और अधिकतर ग्रह या तो षडाष्टक है या चतुर्दशम योग में है। मेरी जीवन भर की तपस्या और मैदिनी ज्योतिष का अनुभव यह कहता है कि अप्रैल 2012 तक अनुकूलता का संकेत ये ग्रह योगायोग नहीं दे रहे हैं। ये समय जबरदस्त राजनीतिक उठापटक और परिवर्तन का है, सत्तारो पक्ष विपक्ष में जबरदस्त टकराव होगा, राजनीतिक नए समीकरण बनेंगे और लोग अपनी पार्टियां परिवर्तन करते हुए बदलते हुए नजर आएंगे। इस समय संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी करना, बयानबाजी करना बखेड़ा खड़ा कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और प्राकृतिक प्रकोप की घटना, क्योंकि मंगल और राहु चतुर्दशम है, मैंने देखा है आग से घटनाएं होगी और ये पिछले दो दिन से इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के आसपास प्रभाव बढ़ गया था, जो नक्षत्र योग बने उससे आग की घटना, हवा आंधी तूफान की घटना और सबसे बड़ा पानी से भी दुर्घटना नजर आ रही, सड़क रेल और हवाई दुर्घटना भी नजर आ रही है, भूकंप और भूस्खलन भी है, प्राकृतिक प्रकोप है और हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकता है। इसीलिए सीमाओं पर और मुख्य स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सावधानी रखनी पड़ेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति और राहु का षडाष्टक संबंध है, धर्म को लेकर उठापटक का संकेत लग रहा है और धर्म पे की गई अनर्गल बयानबाजी, सांप्रदायिक सौहार्द में कमी नजर आ रही है। मैदिनी ज्योतिष यह कह रही है कि संपूर्ण पक्ष और विपक्ष के राजनेताओं और प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम और शालीनता का परिचय देना होगा राष्ट्रहित में, और जिस तरह की घर योगायोग है, सावधानी का दिन समय तो है। और मैं एक बात और, यार ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, मेरा शोध है, गणित की गणनाओं के अनुसार ग्रह युगा को देखते योग जो नजर आ रहे हैं वो मैं दे रहा हूं सटीक भविष्यवाणी। प्रजापिता ब्रह्मा का हाथ मेरा नहीं, मेरा तो छोटा सा प्रयास है, संभव है मेरे से गलती हो सकती है। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सेकंड ओपिनियन जरूर ले, गुनाह नहीं होता है सेकंड ओपिनियन, मेरे विचार है, मैं अपने विचार किसी पे लादता नहीं हूं, मात्र राष्ट्र भावना से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक उठापटक है, प्राकृतिक प्रकोप है और राष्ट्र हित में हम सबको सोचना पड़ेगा। ग्रह योगायोग अप्रैल 2012 तक अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे, सावधानी तो बरतनी होगी। नमस्कार।